जा ही रहा था कि एक बीकॉम वाले मिल गए हैं। आई रियली एंजॉय दिस जॉब, रियली लिटरली बता रहा हूँ। अभी एकदम धूप में भाई एक आदमी ने खड़ा कर दिया है। अपने पहले पिन कोड पे हूँ और थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, तो ये रहा ये पहला लैंडमार्क और यहीं पे डिलीवरी दे रहे हैं। और क्या करें, तबीयत ठीक नहीं है लेकिन एक भी दिन छुट्टी थोड़ी ना दे रहे हैं लोग, क्या किया जाए, आना ही पड़ेगा। तो सर्दी उर्दी हो गया, कोरोना वगैरह नहीं है बट तो भी। और आज का सीन कुछ ऐसा है कि दिखाते हैं, छोटे पैकेट बहुत कम है, बड़े पैकेट देख लीजिए, पूरा का पूरा बड़ा ही पैकेट भरा हुआ। चलिए, और ये जब बड़े पैकेट रहते हैं तो ऐसी गली में से जाना बहुत दिक्कत होता है। देखिए, छोटे से लड़के अपना ऑर्डर ले रहे हैं। चलो हाय करो कैमरा में। हाय। चलिए, अभी एकदम धूप में भाई एक आदमी ने खड़ा कर दिया है, ना इधर पेड़ है ना कुछ है और धूप में खड़े हैं। और भाई साहब 5 मिनट से वेट कर रहे हैं, आ नहीं रहे। हम सोच रहे हैं जाएं कहाँ, हिल सकते नहीं, हिल जाएंगे तो पता नहीं वो कहाँ में खोजेंगे, आगे पेड़ है, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं। चलिए, ये जो आप देख रहे हैं ये जो नदी है, नदी का बांध बनाते हैं, मतलब कि उसका पानी इस साइड से इस साइड ना जाए। तो ये है नदी, ये देख लीजिए, ये नदी है, बांध पे आज हम डिलीवरी करने के लिए आए हैं। क्या किया जाए, ये जो गांव एरिया रहता है इसके अंदर जो मेरा एरिया है वो नदी के किनारे पड़ता है, तो ये बांध वगैरह हमेशा देखने को मिलते हैं। देखिए नदी, थोड़ा सा नदी का पानी थोड़ा सा बढ़ गया क्योंकि 2-4 दिन से बहुत ज़्यादा यहाँ पर बारिश वरिश हुई थी। तो ये देख लीजिए पूरा ये बांध है वहाँ तक। तो अभी आपको पूरा बांध का सीन दिखाते हैं कि कैसा कैसा पूरा सीन है। और यहाँ गाड़ी थोड़ा पार्क कर दिए, थोड़ा सा यहाँ पे मेन क्या रहता है, यहाँ पे थोड़ा सा हवा हवा थोड़ा सा ठंडी चलती है, थोड़ा सा सुकून मिलता है। और जो हाईवे इस तरफ है थोड़ा सा, तो उससे थोड़ा सा सुकून है। तो अभी चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं ये बांध का रास्ता कैसे। और आज के भाई आप रिटर्निंग देखेंगे, इतने हैवी रिटर्न लेके जा रहा हूँ। ये देखिए, ये रिटर्निंग है। ये देखिए, ये कंबल है, ये रिटर्निंग है, सब एक ही में मैंने बांध लिया है नीचे। कौन बैग में डालेगा, बैग को इससे पूरा टेप से बांध लिया है, पीठ के ऊपर अभी कोई भार नहीं रहेगा, सारे रिटर्निंग को मैंने शिफ्ट कर दिया है। तो चलिए, अभी गाड़ी को दूसरे गियर में लगा दिया हूँ और ये रहा तीसरा गियर, ये। और अभी चलते हैं ये बांध, ये जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा वो हाईवे उस तरफ है और ये बांध इस तरफ। और ये देखिए जो वाइट जो देख रहे हैं, ये आमंतर जो नदी का जो इलाका होता है वहीं पे ऐसे ये पौधे दिखते हैं, ये जो वाइट आप देख रहे हैं। तो इसी रोड पे हैं। इस रोड की खास बात ये बात है फ्रेंड कि यहाँ पे कोई जल्दी नज़र नहीं आता, जितना ट्रैफिक वगैरह नहीं होता, इसी नाते इस रोड पर ज़्यादा सुकून है। तो चलिए, गाय हुए तो दिख जाएंगी। थोड़ी सी गाय हुई तो दिख ही जाएंगी। गाय न रोकते, ये गाय लोग सबका रास्ता रोकती रहती हैं। चलिए, ये देखिए नदी सामने ही है, पूरा पानी यहाँ तक है। रियली लिटरली बता रहा हूँ, मैं बहुत इंजॉय करता हूँ इस जॉब को, आराम से काम करता हूँ अपना,
आराम आराम से चलता हूँ, गाड़ी भी 40 पे चलाता हूँ, बहुत अच्छा। बंधा का रास्ता ख़त्म। हाँ भाई, बंधा का रास्ता ख़त्म हो गया। ये देखिए, अब चलते हैं इस रोड पे, पक्के वाले रोड पे। तो चलिए, बंधा इधर था और ये रोड, अब इस रोड पे जाएंगे। अभी अपने लास्ट डेस्टिनेशन पे हैं, जहाँ पे पार्सल देना है। और मुझे ये कार दिख गई है, ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये सिलेरियो एक्स है, जो कि मनोज दे की कार है। मनोज आप जानते हैं, जो यूट्यूबर हैं, और तभी से मुझे क्रेज़ चढ़ा हुआ है ये गाड़ी लेने का, सिलेरियो एक्स। एक यहाँ पे भी है सिलेरियो एक्स, और एक यहाँ पे भी, मुझे बहुत पसंद है। और वहीं से मैं ज़्यादा मोटिवेट हुआ था, तो वही दिख गई, लास्ट डेस्टिनेशन है। अब यहाँ पर पार्सल लेंगे, अब यहाँ पर पार्सल लेंगे फिर जाएंगे। आज है दूसरा दिन और आया था सेंटर पे, पैकेट वगैरह अच्छे आएंगे, लेकिन सबकी शॉर्टिंग वगैरह हो गई है, दिखाते हैं। मेरा पैकेट बहुत ज़्यादा कम है, पता नहीं आज जाएंगे कि नहीं। नहीं जाएंगे तो और भी जो मेरे काम है, मेरे बैंक उनका काम कराना है, वो सब ज़रूर करवा लेंगे। मेरे सेंटर की भाई सारी गाड़ियों आज मैं आपको दिखाता हूँ, सारी की सारी पूरे हीरो की ही ज़्यादा हैं, दिखाते हैं। ये भी देखिए, हीरो की सुपर स्प्लेंडर, वो हीरो की पैशन प्रो है, वो हीरो का पैशन प्रो, हीरो की एचएफ डीलक्स, हीरो की एचएफ डीलक्स, सारी की सारी गाड़ियाँ हीरो की हैं। अपने गांव से जा रहा हूं शहर, बिजली का बिल जमा करना। ये है रोड, और ये बहुत फ्रेश रोड है और ये अभी नई नई बनी है, तो इसी रास्ते जाएंगे। ये बिजली का बिल जमा करना, तो शहर में जाएंगे, एक नौसड़ एक जगह पड़ती है, वहां पे जा रहे हैं। तो धूप बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज काम पे नहीं गए, तो हमने कहा दो चार काम है उसको निपटा देते हैं। यहां से 14 किलोमीटर दूर है, चलते हैं और आपको आगे का दिखाते हैं। चलिए, जा ही रहा था कि एक ई कॉम वाले मिल गए हैं, और जगह जगह पे सब लोग मिलते रहते हैं अपने ग्रुप से। तो ये देखिए, यहाँ पे डिलीवरी दे रहे हैं स्नैपडील की भैया, 96 चौक। ये देख लीजिए, ये वाला जो रास्ता है जो दिख रहा है, जहाँ से ये गोरखपुर चल जाएगा और ये चला जाएगा खजनी की तरफ, और हमें इधर ही जाना है भाई। ये जो देख रहे हैं उधर कैंप, वहाँ पे अभी चलते हैं, बिजली का बिल जमा कराएंगे और आपको देख। अभी काउंटर में, अभी बिजली का बिल जमा कर लिया है और 10,055 रुपया पूरा पड़ा है। ये लॉकडाउन से तब से जमा नहीं हुआ था और अब जाके जमा कर रहे हैं। तो चलिए, ये काम हो गया, अभी चलते हैं। छुट्टी पर से आज भाई सीधा अपने मामा के घर पे आए। ये है मेरा मामा का घर पूरा, और गाड़ी वहाँ खड़ी कर दी है, और थोड़ा देर यहाँ रुकेंगे। बहुत दिन के बाद यहाँ पे आना हुआ है, कोई ज़्यादा काम था नहीं, तो देख लीजिए ये पूरा खेत वगैरह है। चलिए फ्रेंड, इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आशा करते हैं आपको वीडियो थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो चलिए, और भी जो भी और रिलेटेड चीज़ें होंगी ये जॉब से रिलेटेड, तो मैं बताता रहूँगा। तो चलिए, इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने भाई को सपोर्ट करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।